वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2023 के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, राइट। पूरा सही तरीके से आपको डिस्क्राइब करके बताने वाले हैं। चाहे आप लेटरल एंट्री से अपना कोर्स करना चाहते हो या फिर अगर आप टेंथ फेज पे भी करना चाहते हो ना, तो आप सभी के बारे में बात करेंगे, साथ में फार्मेसी वाले बच्चों के बारे में भी। सबसे पहले जो भी आप पुराना पैटर्न देख रहे हो, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो गूगल पे ही सर्च कर रहे हैं, तो देखिए गूगल पे आपका पुराना सिलेबस आएगा। मैं आपको बिल्कुल नया सिलेबस बताऊंगा कि आपका सिलेबस है क्या एक्चुअली में, और बहुत ज्यादा कठिन आपका सिलेबस है, मैं पहले आपको बता देता हूं, ठीक है। आप सब एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जून तक आप सभी का जरूर फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ, मैं आपको वहां से सारी चीजें समझाता हूं कि आपका सिलेबस है क्या आखिर में। तो यहां पे हम चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, फाइनली हम आ चुके हैं अपनी पीडीएफ की तरफ। इस पीडीएफ के अंदर देखिए आपने क्या-क्या चीजें मेंशन कर रखी है। ये देखिए आपका पीडीएफ है और ये बिल्कुल ओरिजिनल है। अगर आप देखेंगे तो ये 2022 में जो सिलेबस था ना, वही सिलेबस हम आपको यहां पे मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। यहां पे हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे की तरफ जैसे स्टूडेंट आप आएंगे ना, तो यहां पे देखिए आपका फॉर्म में क्या-क्या मेंशन, सॉरी मेरा मतलब है कि क्या-क्या मेंशन है यहां पे। तो यहां पे सबसे पहले आपको कोर्सेज समझने हैं कि यहां पे दिल्ली पॉलिटेक्निक में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स होता है वो होता है आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जैसे कि यहां पे लिख रखा है, और ये क्लास 10th बेस के लिए होता है। किसके लिए होता है? क्लास 10th बेस के लिए होता है, ठीक है। तो 10th क्लास के लिए आप 10th क्लास के बेस पर ये आपका होगा इंजीनियरिंग डिप्लोमा। दूसरा आपका क्या, ये फार्मेसी का जो कोर्स है वो 12th के बेस पर होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो अगला आपका मेंशन है कॉस्मेटिक एंड हेल्थ, ये भी आपका 10th के बेस पर होता है, ठीक है। 10th वाले बच्चे इसको फिल करते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो अगला हमारा कौन सा, यहां पे नेक्स्ट यहां पे देखेंगे तो जितने भी आपके इस टाइप के कोर्स है, मतलब जो ड्राइंग से रिलेटेड है, जैसे अप्लाइड आर्ट्स हो गया, या फिर आर्ट्स ऑफ ड्राइंग टीचर हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, और या आर्किटेक्चर हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, जितने भी आपके है ना डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स, ये कोर्स होता है, ये भी 10th के बेस पर ही होगा आपका। फिर यहां पे नीचे तरफ आएंगे तो यहां पे अगला मेंशन कर रखा है एडम का कोर्स, तो इसको छोड़ दीजिए, ये आपका अलग ही है कुछ। यहां पे अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो इसके बाद आपका मेंशन है कि लेटरल एंट्री का कोर्स। लेटरल एंट्री का मतलब होता है डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन, और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 12th क्लास या फिर 10th के बाद अगर आपने आईटीआई कर रखी है, ठीक है, आईटीआई कर रखी है तब भी आपका इसमें एडमिशन हो सकता है। या तो 12th चाहिए या फिर आईटीआई चाहिए, तो आपका डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। 3 साल का डिप्लोमा होता है। अब हम समझते हैं सिलेबस आपका है क्या। तो देखिए यहां पे मैं आपको सिलेबस को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो यहां पे स्टूडेंट अगर आप देखेंगे, देखिए मुझे टाइम देखिए स्टूडेंट, मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, प्लीज आप पूरे तरीके से वीडियो में बने रहिए ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीजें समझा सकूं। और सबसे पहले अगर आपने प्रिपरेशन अपना करना चाहते हो तो प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको हमारे आदर्श अकेडमी 2.0 वाली एप्लीकेशन पे जुड़ जाइएगा, है ना। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे रखा है, वहां से आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। सबसे पहले देखिए ज्यादातर जो बच्चे फॉर्म भरते हैं वो भरते हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए। तो यहां पे देखिए आपका आएगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन आएंगे, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो सेक्शन नंबर ए होगा, सेक्शन नंबर ए में क्या होगा, लॉजिकल, यहां पे देख सकते हो लॉजिकल रीजनिंग होगा, एप्टीट्यूड होगा, यानी कि सेक्शन ए में एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग आएगा। कितने क्वेश्चन होंगे यहां पे आप देख सकते हैं, 15 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है, राइट। अगला कौन सा आपका सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल होगा, है ना, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल होता है ना, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। ये कितने आएंगे देख सकते हैं, 15 आएंगे टोटल, इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। अगला देखेंगे तो सेक्शन सी, सेक्शन सी में क्या होगा, क्लास 10th की साइंस और मैथ्स होगा, इसमें आपके टोटल मिला के 30 क्वेश्चन होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई है। ये सिर्फ 10th बेस पे जो भी फॉर्म भरेगा ना बच्चा, उसके लिए मेंशन किया गया था। देखो आपको अपनी तैयारी अभी से ही करनी होगी, क्योंकि बहुत ही टफ इसका सिलेबस है, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन पर बिल्कुल तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे जैसे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप करते रहिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपका मेंशन है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी में अगर देखेंगे तो सेक्शन ए आएगा, वही लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह, ठीक है। अगला देखेंगे तो आपका क्या मेंशन है यहाँ पे, सेक्शन बी में आपका कम्युनिकेशन स्किल आएगा, और सेक्शन डी बस चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी सेक्शन था, आपके में डी सेक्शन करना होगा। इसके अंदर क्लास ट्वेल्थ का मेरा मतलब साइंस एंड ह्यूमन बॉडी रिलेटेड आपको जो भी आपके चैप्टर्स वगैरह उसको सही तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये आपका आएगा। देख सकते हैं 15, ये भी 15 मार्क्स का होगा, मेरा मतलब 15 क्वेश्चन होंगे, और ये आप देख सकते हैं कि जो भी आपका ह्यूमन बॉडी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो 30 आएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है डिप्लोमा इन कॉस्मेटिक एंड हेल्थ, जो भी बच्चे डिप्लोमा इन कॉस्मेटिक एंड हेल्थ करना चाहते हैं तो सेक्शन ए में वही चीज है, सेक्शन बी में आपका वही कम्युनिकेशन स्किल, और सेक्शन ई इनका एक अलग है, इनके में आएगा सेक्शन ई, जिसके अंदर होगा क्लास 10th की साइंस और साथ में जनरल अवेयरनेस। देखो हमारा जो कोर्स है वो सभी बच्चों के लिए है ना, चाहे फार्मेसी करना चाहते हो, चाहे आप कॉस्मेटिक एंड हेल्थ करना चाहते हो, या फिर कोई भी कोर्स करना चाहते हो, इंजीनियरिंग कोर्स जैसे मैकेनिकल सिविल, तो आप सब आराम से कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, सभी के लिए वो है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट आप देखेंगे तो डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स वाले बच्चों के लिए, जो भी बच्चे डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं, डिजाइन ओरिएंटेड का क्या मतलब है, जैसे कि आपका अप्लाइड आर्ट्स हो गया, ठीक है, या फिर आर्ट्स फॉर ड्रॉइंग टीचर हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, सभी के सभी आपके ये जितने भी आपके कोर्सेज है ये डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स होते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा,
दो टेस्ट होते हैं इसके अंदर। स्टेज नंबर वन होता है जो थ्योरी टेस्ट होता है, इसके अंदर सेक्शन ए में वही इंग्लिश एंड मैथ्स आता है, आपका 15 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। और फिर उसके बाद देखेंगे तो इसके अंदर आता है आपका सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपका वही होता है जनरल नॉलेज, और यहाँ पे देख सकते हो अवेयरनेस वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके ये आते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग, और यहाँ पे लिख रखा आगे एनालिटिकल स्किल, ये आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा भी पेपर होगा, ये ध्यान रखना सिर्फ आपके डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स वाले बच्चों के लिए दो एग्जाम होते हैं, पहला एग्जाम मैंने आपको मेंशन कर दिया, दूसरा एग्जाम है जो कि आपको ऑफलाइन कैंपस में जाके देना होता है, ये स्किल टेस्ट होता है। इसके अंदर ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए दी जाती है आपको, और आपको बनाना होता है। सेक्शन ए में देख सकते हो आपका यहाँ पे लिख रखा है ड्राइंग टेस्ट ऑन स्टिल लाइफ स्टडी, और दूसरा दे रखा है यहाँ पे मेमोरी ड्राइंग, है ना, मेमोरी ड्राइंग वगैरह, ये एक क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, आपको बना के आना होगा। बाकी एडम छोड़ दीजिए, एडम आपके लिए नहीं है। यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं, अगला है आपका लेटरल एंट्री। तो एली वाले बच्चों के लिए क्या है यहाँ पे देखिए, तो एली वाले बच्चों के लिए मेंशन कर रखा है सेक्शन ए में वही आएगा आपका एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, सेक्शन बी में आपका आएगा कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। और 20-20 क्वेश्चन होंगे जैसे कि आप देख सकते हो, सिर्फ इनके दो ही सेक्शन आएंगे, ठीक है, और इनका एडमिशन डायरेक्टली सेकंड ईयर में होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें बता दी, आई होप स्टूडेंट आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आदर्श एकेडमी 2.0 वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट जैसे आप आदर्श एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका एक मेंशन कर रहा है पेड कोर्स, जैसे कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोर्स आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स है, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ऑफर में स्टार्टिंग के 200 बच्चों के लिए ऑफर में है, 200 का ऑफ मिलेगा इस पर आपको। पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, देखिए डेमो पे क्लिक करेंगे, जैसे आप डेमो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे साइंस के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो लेक्चर और उसकी पीडीएफ वगैरह मिलेगी, तो साइंस के लेक्चर्स अपलोड है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हुई, क्योंकि हो सकता है कि मई में या फिर जून तक तो आपका 100% आना ही आना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये आपका है लॉजिकल रीजनिंग, और बाकी इसी तरीके से सारी चीजें यहाँ पे अपलोड जाएगी। और आपको बुक्स बाय करने की जरूरत नहीं है, बुक्स के लिए देख सकते हो एंट्रेंस एग्जाम बुक पीडीएफ यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम यहाँ पे बुक्स प्रोवाइड करा दी गई है, ठीक है। और आपको गाइडेंस भी मिलेगी, है ना, कैसे आपको क्या करना है, सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी और सारी चीजें यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसके लिए कोई भी आपको वरी नहीं करना है, ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट सब कुछ दिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो अगर आपको इसको बाय करना है तो बाय करने के लिए पहले आपको बाय नाउ पे जाना है, अप्लाई कूपन करना है, इस पर लिख देंगे 200 OFF इस तरीके से अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करोगे तो देख सकते हो ये जो कोर्स आपका 499 का ही कोर्स हो गया है, और ये जब तक के लिए जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम होता नहीं है, जब एंट्रेंस एग्जाम पूरा खत्म हो जाएगा तभी एक्सपायर होगा, ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। आपको यहाँ से पे कर देना है और आपको ये 200 का ऑफ मिल रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग के 200 बच्चों के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो गए, आप भी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और अपनी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप सोचेंगे टाइम बहुत ज्यादा है तो नहीं, बहुत कम है। और देखो ना कितना सारा इसके अंदर कवर करना है आपको, एप्टीट्यूड रीजनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, क्लास 10th की साइंस मैथ, सब कुछ पूरा कुछ इसमें कंप्लीट करा जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन सब कुछ इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको ये बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा भी आपको सही लगे, राइट। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना हो कि आपसे सर मुझे बात करनी है या फिर कोई क्वेरी आ रही है, तो आप नंबर लिख लीजिए 7291892392 3। अगला है आपका 72, ठीक है, ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं आप, ठीक है, राइट। चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।